हेलो फ्रेंड्स, हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? हम एक्शन लेने से भागते क्यों हैं? हम एक्शन लेने में देरी क्यों करते हैं, जबकि हमको बहुत अच्छे से पता है यदि मैं एक्शन लूंगा मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो जरूर मिलेगा, मुझे कुछ ना कुछ परिणाम तो देखने में जरूर मिलेगा, बट उसके बावजूद भी हम एक्शन नहीं लेते, उसके बावजूद भी हम प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हैं, टालम टोली करते जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं, हम एक्शन लेने से भागते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जहन में, हमारे दिमाग में यह विचार बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया है कि यदि मैं एक्शन लूंगा तो मुझे पेन फील होगा, यदि मैं एक्शन लूंगा तो मुझे दर्द महसूस होगा, और उस दर्द से बचने के लिए, उस पेन से बचने के लिए हम दूर भागते जाते हैं। आज नहीं कल एक्शन लूंगा, कल नहीं परसों एक्शन लूंगा, एक वीक बाद लूंगा, एक महीने बाद लूंगा, और उस पेन को अवॉइड करने के चक्कर में हम प्रोक्रास्टिनेट की हैबिट बिल्ड कर लेते हैं, और एक समय के बाद में हमको यह रियलाइज होता है कि यदि मैंने उस दिन एक्शन लिया होता तो आज मेरी कंडीशन बहुत अच्छी होती, यदि मैंने उस दिन एक्शन लिया होता तो आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे होता, पर उस दिन मैंने एक्शन नहीं लिया, उसके कारण आज मुझे ज्यादा पेन फील हो रहा है, आज मेरी कंडीशन उससे भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि मैंने उस दिन एक्शन नहीं लिया, उस दिन मैंने उस पेन को फेस नहीं किया, फील नहीं किया। सो दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट से बचिए, जो टेम्पररी पेन है उसको फील कीजिए, उसे गले लगाइए, प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को किल कीजिए, और किल करने का एक ही तरीका है, आपको एक्शन लेना है, तभी आप प्रोक्रास्टिनेशन की डिसीज से ठीक हो सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हैबिट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दिस इज हेम सिंह पाटले साइनिंग ऑफ।